गुड आफ्टरनून। आज हम बात करेंगे बिजनेस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट 28 सीक्रेट के बारे में। सबसे पहली लाइन यह है कि इट इज इजियर टू स्टार्ट राइट देन स्टार्ट ओवर। शुरू से ही सही स्टार्ट करना बहुत आसान है। सो आप चेक कीजिए कि आप और आपकी टीम ने हर्बोजेनिक्स बिजनेस को स्टार्ट किया है तो क्या शुरू सही तरीके से स्टार्ट किया है। अगर नहीं है, अभी भी स्टार्टिंग बेस पे है, हम लोग इसको सही तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं, पहली चीज। नेक्स्ट नंबर टू, एनी फूल कैन कॉम्प्लिकेटेड द बिजनेस बट इट टेक ए जेन्यून टू कीप इट सिंपल। Keep your business so simple, even an 8 year old could do it. कोई एक मूर्ख जो मूर्ख क्या करता है कि अपने बिजनेस को बहुत जटिल बना देता है, कॉम्प्लिकेटेड कर देता है, मुश्किल कर देता है। कोई भी मूर्ख कर सकता है ये काम तो, बट इट्स टेक ए जेन्यून टू कीप इट सिंपल। लेकिन बिजनेस को इजी और सिंपल करने के लिए एक प्रतिभा की आवश्यकता होती है, एक टैलेंट की जरूरत होती है, स्किल की जरूरत होती है। तो आप अपने टैलेंट को यूज कीजिए और अपने बिजनेस को एकदम सिंपल बनाइए। इतना सिंपल कि कीप योर बिजनेस सो सिंपल इवन 8 years ओल्ड कुड डू इट। इतना आसान बना दीजिए कि 8 साल का बच्चा भी इस बिजनेस को कर सके। अगर आपने ऐसा किया तो आप सोच के देखिए कि आपकी टीम में ज्वाइन होने वाला हर बंदा, हर व्यक्ति इस आसान बिजनेस को कर पाएगा। बहुत मीनिंगफुल बात है ये। नंबर दो, हमेशा सिंपल सिंपल वे में समझाओ, सिंपल वे में बताओ, ताकि समझने वाला और सुनने वाला आदमी को ये लगे कि ये तो बहुत आसान है और इसे मैं भी कर सकता हूं। इसे मैं नहीं, इसे तो कोई भी कर सकता है, और उनका आत्मविश्वास बढ़े, उनका कॉन्फिडेंट बढ़े उसको देखकर। अब तीसरे पॉइंट की बात करते हैं कि तीसरा पॉइंट क्या है और वो कितना जरूरी है और क्या मैसेज है तीसरे सीक्रेट में। यूज द प्रोडक्ट, सर्विस ए फ्यू कस्टमर्स, स्पॉन्सर ए फ्यू डिस्ट्रीब्यूटर्स, सपोर्ट योर टीम एंड रिपीट दिस प्रोसेस ओवर एंड ओवर फॉर सर्वेलर ईयर्स विथ वन कंपनी। आप जब ज्वाइन होते हैं तो प्रोडक्ट्स को यूज कीजिए, सेल्फ यूज कीजिए, रेगुलर वे में यूज कीजिए, खुश होकर और विश्वास के साथ में यूज कीजिए। बिना यूज किए कुछ नहीं होगा, इसलिए प्रोडक्ट को आप यूज कर रहे हैं या नहीं, अगर नहीं कर रहे हैं तो प्रोडक्ट को यूज करना स्टार्ट कीजिए। प्रोडक्ट जब आप यूज करेंगे तो आप ये पाएंगे कि प्रोडक्ट का रिजल्ट्स क्या है, क्या फीलिंग्स बदलती है बॉडी के अंदर में, क्या क्या इसके आपको रिजल्ट्स दिखते हैं अलग अलग पार्ट पर, यह बहुत जरूरी है। दूसरा क्या है इसमें, सर्विस ए फ्यू कस्टमर। कुछ कस्टमर्स लोगों को सर्विस दीजिए रेगुलर बेसिस पे, और कुछ स्पॉन्सर कीजिए, नए लोगों को डिस्ट्रीब्यूटर्स बनाइए, और आपकी टीम की सपोर्ट कीजिए, और ये बार बार करते रहिए, रिपीट रिपीट, बार बार इस प्रोसेस को करते रहिए
क्या प्रोसेस बार बार करना है, प्रोडक्ट्स यूज करते रहना है, सर्विस ये फ्यू कस्टमर सर्विस कुछ कस्टमर्स को देते रहना है, स्पॉन्सर्स आपको जो है करते रहना है, कुछ डिस्ट्रीब्यूटर्स लोगों को स्पॉन्सर्स करते रहना है, और टीम को सपोर्ट करना नहीं है, टीम को सपोर्ट करते रहना है, बार 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 टीम को सपोर्ट करते रहना है, और रिपीट दिस प्रोसेस ओवर एंड ओवर फॉर सेवरल ईयर्स, काफी सालों तक इस प्रोसेस को आप रेगुलर वे में करते रहे विथ वन कंपनी, एक ही कंपनी के अंदर। हम सब हर्बोजेनिक्स में है तो हमको हर्बोजेनिक्स के अंदर में इस प्रोसेस को रेगुलर वे में बार बार रिपीट प्रोसेस से खुश होके उत्साहित होके हमेशा करते रहना है। यह है तीसरा सीक्रेट। इस सीक्रेट में अगर आप कहीं पर भी मिस्टेक कर रहे हैं तो उसे सुधारने की जरूरत है, आप सभी चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे सीक्रेट नंबर फोर। फोर्थ सीक्रेट क्या है? फोर्थ सीक्रेट जो है वो यह है, पिक वन कंपनी एट द राइट टाइम एंड स्टिक विथ इट एट लीस्ट 5 years। एक ही कंपनी को पहले आप अच्छी तरह से समझ के और ज्वाइन करें। कब ज्वाइन करें? राइट टाइम ज्वाइन करें, सही समय में जरूर शुरुआत करें। और मैं आप सभी को गारंटी के साथ में, पूरे विश्वास के साथ में कह सकता हूं कि आपने सही समय पर एक कंपनी को ज्वाइन किया है, राइट टाइम में ज्वाइन किया है। लेकिन अब आगे आपको क्या करना है, बहुत स्टिक रहना है विथ एटलीस्ट नेक्स्ट 5 years। अगले 5 साल तक किसी अदर कंपनी के बारे में, किसी अदर कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में, अदर कंपनी का लीडर बहुत सारा कुछ एक्साइटमेंट के साथ में बता रहा है, उसकी तरफ आपका ध्यान ही नहीं रहना चाहिए। अगले 5 साल तक एक ही कंपनी के अंदर में इसी तरह से अगर आप स्टिक बने रहते हैं, इफ योर कंपनी टर्न आउट टू बी ए डेड, गेट इट राइट द नेक्स्ट टाइम अराउंड। आप इस चीज को बहुत मजबूती से समझे कि ये नंबर 4 में जो मैसेज है, ये मैसेज आपके दिमाग में जब कभी भी कोई उलझन आती है, जब कभी भी कोई छोटी मोटी नेगेटिविटी आती है किसी कारण से, तो उस नेगेटिविटी को आप अच्छी तरह से संभाल पाएंगे। क्योंकि आप ये देखिए कि मैंने कंपनी एक कंपनी को ज्वाइन कर लिया, आप मुझे अधिकार ही नहीं है अगले 5 साल तक किसी दूसरी कंपनी के बारे में देखने के लिए या समझने के लिए। इस तरीके से माइंड मेकअप करें और इसी तरीके से अपनी टीम के डिस्ट्रीब्यूटर्स का माइंड मेकअप कराएं। क्योंकि अगर आपको सफलता चाहिए तो ये रूल आपको फॉलो करना ही होगा, ये रूल फॉलो, तभी जाके हम लोग सक्सेस होंगे। नेटवर्क मार्केटिंग का जो पांचवा सीक्रेट है, पांचवा सीक्रेट क्या है? स्पॉन्सर 2 से 4 न्यू रिक्रूट एवरी मंथ आप जरूर करें। 2 से 4 नए लोगों को आप एवरी मंथ जरूर ज्वाइन करें। इसके लिए कोई नो एक्सक्यूजेस, कोई भी आपको बहाना नहीं बनाना है। कभी लाइट नहीं थी, या बरसात का मौसम था, या कोरोना वायरस चल रहा था, या तबीयत ठीक नहीं थी, या आसपास के माहौल में कुछ और आंधाधुंध प्रॉब्लम चल रही थी, इस तरह का कोई बहाना नहीं बनाए। अगर आप बहाना बना रहे हैं तो आप रूल फॉलो नहीं कर रहे हैं। और अगर आपने नेटवर्क मार्केटिंग के वो रूल फॉलो नहीं किए जो आपको सफलता की तरफ लेके जाते हैं, तो आप सोच के देखिए, रूल्स फॉलो नहीं करने वाला आदमी सफल होगा क्या? कभी नहीं। इसलिए हर महीना एवरी मंथ मिनिमम 2 से 4 नए लोगों को इस बिजनेस के अंदर डिस्ट्रीब्यूटर आपको बनाना है। ये रूल स्ट्रॉन्गली आप फॉलो करें,
सभी। अब एक बात यहां बताऊंगा, हम हर मीटिंग में बार बार क्या बोलते हैं संडे को कि नए लोगों को मीटिंग में लेके आओ। नए लोग मीन्स क्या, जो लोग अब तक ज्वाइन नहीं हुए हैं, जो लोग हमारे डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है, उन लोगों को लेके आओ। क्यों बोलते हैं कि अगर आप हफ्ते का एक आदमी भी नया मीटिंग में लेके आते हैं या दो आदमी मीटिंग में नया लेके आते हैं तो महीने के चार प्रोग्राम में आपके 8 नए लोग आएंगे, तो 2 से 4 लोग उसके अंदर ज्वाइन हो जाएंगे एवरी मंथ। लेकिन आप नहीं ला रहे हैं, नहीं ला रहे हैं, तो जरा अपने टीम के ऊपर में फोकस कीजिए कि जिस तरीके से टीम में ग्रोथ होनी चाहिए, क्या उसमें ग्रोथ हो रही है? नहीं हो रही है। इसकी कारण क्या है कि रूल फॉलो नहीं कर रहे हैं। हर नेटवर्क मार्केटिंग में काम करने वाले व्यक्ति को ये 5वां रूल याद रखना है, स्पॉन्सर मिनिमम 2 से 4 हर महीने नए लाने हैं। उसके लिए कोई किसी तरह का आपको बहाना नहीं बनाना है, ये चीज है। और इसके लिए सबसे बेस्ट क्या है कि आप हर संडे की मीटिंग के अंदर में नए लोगों को लेके आए, नए 2 लोग लाए, 4 लोग लाए, और आप नहीं, आपका मतलब मेरा यह है कि हर वो डिस्ट्रीब्यूटर जिसने भी हर्बोजेनिक्स को ज्वाइन किया है, हर वो डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए ये चीज लागू होती है। और आप उन्हें बार बार याद दिलाएं कि रूल नंबर 5 आप फॉलो कर रहे हैं क्या? अगर नहीं कर रहे हैं तो फिर आपका चेक एवरी वीक कहां से बनेगा, आपकी टीम की ग्रोथ कैसे होगी? इस तरह से आप उनको याद दिलाते रहे, क्योंकि हम लोग क्या है ना, भुलक्कड़ है, हमें बार बार जरूरत पड़ती है कि कोई व्यक्ति हमें याद दिलाए। नेक्स्ट बात करेंगे हम सीक्रेट नंबर 6 इस बिजनेस में क्या है। फॉलो द लीड ऑफ ए मेंटर हु इज सक्सेसफुल एंड विलिंग टू हेल्प यू। आपको कौन हेल्प कर रहा है, वो सक्सेसफुल आपका मेंटर कौन है, और उस मेंटर को आप फॉलो करें, उसको पहले फॉलो करें आप रेगुलर बेसिस पे कि वो अपना टाइम मेंटेन कैसे करते हैं, वो अपना काम कैसे करते हैं, है, और लर्न फ्रॉम देयर मिस्टेक्स, और आपके मेंटर से, आपके मेंटर ने क्या मिस्टेक किया है बिजनेस के अंदर में, उनकी मिस्टेक्स से आप सीखें, उनकी मिस्टेक से सीखें, ताकि वो मिस्टेक आप नहीं करें और आपकी टीम नहीं करें। ये बहुत बढ़िया चीज है, बहुत पावरफुल चीज है। एंड डू व्हाट दे सजेस्ट। आपका मेंटर आपको जो कह रहा है वो करते रहिए, वो कीजिए, वो करना नहीं बल्कि करना ही करना है अगर आपको सफल होना है तो। आपका मेंटर आपको क्या कह रहा है मीटिंग के अंदर में, वो करना ही नहीं बल्कि करना ही करना है हर हाल में, तो आप आगे बढ़ेंगे, आपकी टीम ग्रो करेगी, आप इस बिजनेस में डायमंड बनेंगे, और इसके जो भी अचीवमेंट्स हैं, टॉप के अचीवमेंट्स आप जरूर लेंगे। ये रूल नंबर 6 आप जरूर फॉलो करें। नेक्स्ट बात करेंगे हम रूल नंबर 7। सुभाकर सुंडे, गुड इवनिंग ब्रदर, और आप आराम से सक्सेसफुली बेंगलोर से कोयम्बतूर पहुंच गए उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। सीक्रेट नंबर 7 दोस्तों, सीक्रेट नंबर 7 क्या है इसको ठीक से देखिए आप। वर्क ऑन योर सेल्फ, आपको अपने खुद के ऊपर में काम करना है, अपने आप के ऊपर में काम करना है। क्या काम करना है? स्किल्स एंड पर्सनल डेवलपमेंट, ये काम करना है आपको। आपको अपना टैलेंट को, अपनी स्किल को और पर्सनल डेवलपमेंट को आपको इंप्रूव करना है। यस, क्या आप ये काम कर रहे हैं?
मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे लास्ट मीटिंग में आप जैसे दिख रहे थे वैसे ही आज दिख रहे हैं। क्या कुछ इंप्रूवमेंट हुआ? पर्सनल डेवलपमेंट लुकिंग हो सकता है, बात करने का तरीका हो सकता है, कपड़े पहनने का ढंग हो सकता है, कुछ इंप्रूवमेंट किया, कुछ नया सीखा आपने लास्ट मीटिंग बुधवार से इस बुधवार की मीटिंग तक? आपने यूट्यूब से, गूगल से, कोई सक्सेसफुल मेंटर से कोई एक एक लाइन, एटलीस्ट एक रूल सीखा और उसे फॉलो करना शुरू किया क्या? मैं इस काम की बात कर रहा हूं और ये काम रेगुलर करना है। सो यू आर समवन वर्थ ज्वाइनिंग। पीपल ज्वाइन बिजनेस और पीपल ज्वाइन पीपल नॉट बिजनेस। जो लोग हैं वो लोगों को ज्वाइन करते हैं, बिजनेस को नहीं करते। बिजनेस कितना अच्छा है ये बाद में देखा जाएगा मेरे दोस्त, पहले आप कैसे हैं ये देखा जाएगा। ज्वाइन करने वाला आपको देखेगा, इसलिए बहुत जरूरी है कि आप अपने आपके ऊपर में वर्क करें, काम करें, अपनी स्किल एंड पर्सनल डेवलपमेंट को रेगुलर आगे बढ़ाते रहें, ताकि आपके साथ लोग ज्वाइन करें, नए लोग जो भी आपको मिलते हैं वो आपके साथ ज्वाइन कर सके। क्योंकि लोग लोगों को देखकर ज्वाइन करते हैं, लोग आपको ज्वाइन करते हैं, बिजनेस को नहीं करते। इसलिए ये बहुत जरूरी चीज है, नंबर 7, और बहुत बढ़िया चीज है, इसको आप याद रखें और फॉलो करें। नेक्स्ट सीक्रेट नंबर 8। नेक्स्ट जो चीज है, ध्यान से देखिएगा आप, स्किल प्लस एक्टिविटी। स्किल जो अभी भी 7 नंबर पॉइंट में बताई है, प्लस एक्टिविटी प्लस सस्टेनेड पीरियड ऑफ टाइम, ये दोनों काम रेगुलर वे में, रेगुलर टाइम के पीरियड के साथ जब जुड़ेंगे तो सक्सेस मिलेगा, तो सक्सेस मिलेगा। इसलिए अपने ऊपर रेगुलर वे में काम करते रहना अपने इस बिजनेस के लिए, नेटवर्क मार्केटिंग के लिए बहुत जरूरी है। प्लीज अंडरस्टैंड। नेक्स्ट बात करेंगे सीक्रेट नंबर 9 क्या है। Our real product is people. We build people and people build the business. इस बात को ठीक से समझिए। Our real product is people. हमारा जो real जो product है वो product क्या है? लोग है। हम लोगों को build करेंगे, हम बिजनेस बिल्ड नहीं करेंगे, हम लोगों को बिल्ड करेंगे और वो सारे लोग मिलकर बिजनेस बिल्ड करेंगे। इस चीज को समझो। सो आप कर क्या रहे हो? आप बिजनेस बिल्ड कर रहे हो या लोग बिल्ड कर रहे हो? सोचने वाली बात है और बहुत गहरा, बहुत अद्भुत मैसेज है इस लाइन के अंदर में कि हमारा रियल जो प्रोडक्ट है वो रियल प्रोडक्ट क्या है? लोग है। हम लोगों को बिल्ड करेंगे और लोग बिजनेस बिल्ड करेंगे। इसलिए हमें क्या करना है? लोगों को बिल्ड करना है। लोगों को बिल्ड करना मतलब लोगों को ज्वाइन कराना है, अपनी टीम के अंदर में ज्वाइन कराना है, टीम के माध्यम से ज्वाइन कराना है, अपना सेल्फ खुद के ऊपर में काम करते रहना है।
लास्ट हफ्ते आप अगर किसी के किसी व्यक्ति से मिले थे और वापस इस वीक आप अगर लोगों से मिल रहे हैं तो कुछ फर्क तो जरूर होना चाहिए, आपकी मुलाकात में, आपकी बात में, आपकी लुकिंग में कुछ तो फर्क होना चाहिए। आपके मिलने वाली आपके टीम को ये लगना चाहिए कि आप कुछ इंप्रूवमेंट डे बाय डे कर रहे हैं, ये बहुत जरूरी है। नेक्स्ट सीक्रेट नंबर 10 क्या है उसके ऊपर बात करेंगे। दसवां नंबर सीक्रेट जो है वो है बिल्ड डेप्थ। स्पॉन्सरिंग ए लॉट ऑफ पीपल क्यूकली विल गिव यू क्यूक मनी, बट इफ यू वॉन्ट लॉन्ग टर्म रेजिडुअल इनकम यू मस्ट बिल्ड योर ऑर्गेनाइजेशन डीप। Depth is where the big money is at. As you build a big team, 80% to 90% of your income will come from level 5 and below. Depth build karni hai apne ko. Depth mein jaakar. Bahut sare sponsor फटाफट करने से कुछ फटाफट पैसा आ सकता है, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म इनकम चाहते हैं, अगर आप बड़ी इनकम चाहते हैं, रेजिडुअल इनकम चाहते हैं, पैसिव इनकम चाहते हैं, तो आपको क्या करना है, आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन में जाके डीप मतलब बिल्कुल नीचे जाकर डेप्थ में जाकर और वर्किंग करनी है, उनके साथ वर्किंग करनी है, मतलब उनको डेवलप करना है। अल्टीमेटली मैसेज क्या है कि जो आपके टीम में, जैसे कि आपसे जो डायरेक्ट कनेक्ट है वो आपका फर्स्ट जनरेशन हो गया, उससे जो जुड़ा हुआ है वो सेकेंड जनरेशन हो गया, सेकेंड से जो जुड़ा हुआ थर्ड जनरेशन हो गया, और उससे जो जुड़ा हुआ फोर्थ जनरेशन, तो आपको फिफ्थ जनरेशन में, एट्थ जनरेशन में, टेंथ जनरेशन में और उससे भी नीचे जनरेशन है, तो वहां पर जाकर जो बंदा है नीचे उसके साथ में काम करना है, डीप में जाके ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप करना है। और अगर आपने ये किया तो ये करने से क्यूक मनी तो नहीं आएगी, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए रेजिडुअल इनकम की ग्रोथ हो जाएगी। और फिर लास्ट में एक मैसेज क्या लिखा है, आपको एक बड़ी टीम क्रिएट करनी है, कहां जाकर, डेप्थ में जाके जब आप बड़ी टीम बनाएंगे तो आने वाले टाइम में आपकी जो बड़ी इनकम होगी, जैसे कि आप 10 लाख रुपए कमा रहे हैं तो 10 लाख में से 8 लाख रुपए की जो इनकम है वो आपके पांचवा जनरेशन के नीचे जो जनरेशन आई हुई है उनके टर्नओवर के माध्यम से आपको मिल रहा है। 10 में से 8 लाख रुपए वहां से आ रहा है। शुरू के 4-5 जनरेशन वाले तो आपको एक 20% इनकम ही दे रहे हैं। 80% टू 90% इनकम डेप्थ में जाके जो ऑर्गेनाइजेशन आपने बिल्ड की थी उन लोगों के माध्यम से जो बिजनेस का टर्नओवर हो रहा है वहां से हो रही है। इसलिए इस सीक्रेट को समझिए, ये नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर में एक जबरदस्त मैसेज है, और ये एक बार पढ़ने से आपको समझ में नहीं आएगा, इसके ऊपर आपको बहुत बार पढ़ना पड़ेगा। मैं इसके ऊपर में लगभग पिछले 45 दिन से प्रयास कर रहा हूं इसको समझने का और इसको समझाने का। 45 डेज से मैं इस 28 सीक्रेट के ऊपर में मैं रोज होमवर्क करता हूं 1-2 घंटा कि ये क्या चीज है और इसको मैं कैसे बताऊं, और इसको करने से, इसको जो फॉलो करेगा तो उसके उसकी टीम के अंदर में, उसके बिजनेस के अंदर में क्या कैसे इंप्रूवमेंट आएगा। सो बहुत जबरदस्त चीज है ये। नेक्स्ट बात करेंगे अपन।
सीक्रेट नंबर 11, द पर्सन हु मेक द मोस्ट एक्सपोजर विंस। बहुत अल्टीमेट लाइन है, एक्सपोजर विंस। ये आपने अगर किया तो आपके टीम के अंदर एक जबरदस्त वाला एक चेंज आप देखेंगे। हर एक व्यक्ति को ये करना चाहिए। इसी तरह नेक्स्ट बात करेंगे हम सीक्रेट नंबर 12, ऑलवेज यूज थर्ड पार्टी टूल्स एंड रिमूव योरसेल्फ फ्रॉम द इक्वेशन। हमेशा थर्ड पार्टी का टूल्स हम बात तो करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में कि थर्ड पार्टी को यूज करना है, लेकिन थर्ड पार्टी को हम यूज करते कैसे हैं? थर्ड पार्टी को यूज करने के बाद रिमूव योरसेल्फ फ्रॉम द इक्वेशन। इस तरीके से आप अगर काम करेंगे तो आपकी काम आपका काम अच्छा होगा, क्योंकि होता क्या है कि हम अपने आदमी के लिए स्पेशल नहीं होते, नए नहीं होते। आज की दुनिया में जो नया व्यक्ति होता है, जो पहली या दूसरी बार मुलाकात में आता है, उसको लोग सीरियसली सुनते हैं, सीरियसली समझने का कोशिश करते हैं। लेकिन जो हम तो पुराने हो गए ना, उसके लिए हम तो सामने ही है ना उसके हमेशा, इसलिए हमें वो उस तरीके से हमारी बात को वो सीरियस नहीं लेता है, ध्यान नहीं देता है, हम कहते हैं उसको फॉलो नहीं करता है। इसलिए यहां पर ये बात है इस बिजनेस के अंदर में, ऑलवेज यूज थर्ड पार्टी टूल्स एंड रिमूव योरसेल्फ फ्रॉम द क्वेश्चन। नेक्स्ट 13 नंबर सीक्रेट क्या है? द फॉर्चून इज इन द फॉलो अप। द एवरेज पर्सन नीड 7 to 20 फॉलो अप बिफोर द बॉय और चाइल्ड। देखो कितनी बढ़िया बात लिखी है, हम किसी भी व्यक्ति को कितनी बार फॉलो करना चाहिए उसके बारे में बताया है। एक एवरेज आदमी को जरूरत होती है 7 to 20 फॉलो करने की, उसके ज्वाइन होने से पहले या प्रोडक्ट खरीदने से पहले 7 to 20 फॉलो करने की जरूरत होती है, तब जाके एक एवरेज आदमी हमारे साथ ज्वाइन करता है। कितनी मस्त बात है, है? हम ऐसा करते हैं क्या? नहीं करते। एक बार फोन करते हैं और उसने कुछ कह दिया, सर मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं, तो हम वहीं रुक जाते हैं। उसने कह दिया, सर मैं तो बहुत बिजी हूं, तो हम वहीं रुक जाते हैं। उसने कह दिया, मेरे पास तो पैसा ही नहीं है, तो हम फिर रुक जाते हैं। क्या ये 4 क्वेश्चन जो शुरू में हमारे ऊपर उछालता है, उनका सक्सेसफुल जवाब देके हम उसे सारी चीज बताने में कामयाब होते हैं? और अगर कामयाब हुए तो वो क्या बोला? ओके सर, प्लान बहुत अच्छा है, मैं इसके ऊपर सोचता हूं, विचार करता हूं, है ना, ऐसा बोलता है। और ऐसा बोलने के बाद दूसरे दिन से हमारा फॉलो अप शुरू होता है। तो क्या हम 7 to 20 मिनिमम है 7? मेरे हिसाब से हम 1 or 2 भी फॉलो नहीं करते। 7 to 20 आप फॉलो करके देखिए, नहीं जुड़ने वाले जो लोग हैं वो आपके साथ 70 to 80% वो लोग जिन्हें हम छोड़ देते हैं वो ज्वाइन करेंगे। ये मैंने प्रैक्टिकली किया हुआ है। मेरा एक दोस्त है, वो इस चीज को बहुत स्ट्रांगली फॉलो करता है और वो जिसको चाहे उसको ज्वाइन कर देता है। मैंने बहुत चेक किया इसके पास वो कौन सी कला है, तो मुझे समझ में आया कि उसका फॉलो जो होता है वो इतना तगड़ा होता है। वो कितना ही मना कर दे,
ओके सर बोल के रख देता है, फिर दूसरे दिन पेपर वापस फोन कर देता है और कुछ ना कुछ बात उसको बोल ही देता है, फिर वो मना करता है, फिर रख देता है, फिर अगले दिन उसको कॉल कर देता है, और अगले दिन क्या हो सके तो वो तो शाम को फिर कर देता है। इस तरह से ये फॉलो अप करते करते क्या होता है कि नहीं वाले का भी, नहीं लेने वाले का भी मन हो जाता है लेने का, और नहीं ज्वाइन करने वाले का भी मन ज्वाइन करने का हो जाता है। यस, तो ये बहुत जरूरी चीज है और बहुत पावरफुल चीज है, और मैं आप सभी को यही कहूंगा कि आप इस लाइन को फॉलो करें। नेक्स्ट, फोर्टीन नंबर सीक्रेट क्या है? एवरी प्रोस्पेक्ट इज ए प्रोस्पेक्ट फॉर लाइफ। हर एक जो आपका प्रोस्पेक्ट है, जो ज्वाइन करने वाला है बिजनेस को, वो आपका प्रोस्पेक्ट है जिंदगी भर के लिए। इस बात को याद रखें, जिंदगी भर के लिए है। स्टे इन टच विथ पीपल अंटिल दे बॉय डाई और जॉय, बट नेवर यूज प्रेशर और हाई। आपका जो प्रोस्पेक्ट है वो जिंदगी भर के लिए आपका प्रोस्पेक्ट है, सबसे पहली बात। इसलिए हमेशा उसके टच में रहे। कब तक? जब तक कि वो आपका प्रोडक्ट परचेज नहीं कर ले। मरते दम तक आप या आपका प्रोस्पेक्ट जब तक जिंदा है, तब तक इस प्रक्रिया को चालू रखना है आपके साथ, क्योंकि हालात हर दिन बदलते हैं मेरे दोस्त, हर दिन बदलते हैं। आज जो कह रहा है मैं ज्वाइन नहीं करूंगा, कल हालात बदलेंगे, अगले हफ्ते हालात बदलेंगे, अगले महीने हालात बदलेंगे, वो बोलेगा अब मुझे ज्वाइन करना है, अगले साल हालात बदल सकते हैं, अगले 5 साल बाद हालात बदल सकते हैं, अगले 10 साल बाद हालात बदल सकते हैं। इसलिए हमेशा उसके टच में रहे, अच्छा व्यवहार बना के रखें, लेकिन कभी भी ज्वाइन करने के लिए प्रेशर ना दें, प्रेशर ना दें, कभी नहीं दें, भले कितना ही टाइम हो गया। कभी भाई नाराज होने की क्या बात है? आप उससे बोल रहे हो और वो जुड़ नहीं रहा है, यही तो बात है। अच्छा, इसमें जरा नाराज होने वाली बात कहां से आ रही है? कहां से आ रही है? इसमें नाराज होने की कोई बात नहीं है, उसके हालात अलग है दोस्त, आपके हालात अलग है। वो ज्वाइन नहीं कर पा रहा है, कुछ वजह है जो नहीं बता भी पा रहा है, हो सकता है। नाराज होने की कोई जरूरत नहीं है, रेगुलर वे में उसके साथ दोस्ती बनाए रखें, टच रहें, और वैसे ही बर्ताव करें जैसे समझो वो आपके साथ ज्वाइन हो गया, बल्कि उससे भी अच्छा रखें कि उसका ज्वाइन होने का मन हो जाए। कभी भी ज्वाइन करने के लिए प्रेशर नहीं दें, ये चीज है। वो आज नहीं तो कल वो आपके ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा जरूर बनेगा, इसमें कोई डाउट नहीं। नेक्स्ट, नेक्स्ट सीक्रेट नंबर 15, वर्क विथ द विलिंग यू कैन नॉट मेक एनीवन सक्सेसफुल इन द बिजनेस। Work with the people who are coachable and hungry for success. Work with the willing, you cannot make anyone successful in the business. आप काम करते रहे, आप किसी व्यक्ति को सक्सेसफुल नहीं बना सकते इस बिजनेस में।
आप सिर्फ काम कर सकते हैं उसके साथ, आप सक्सेसफुल नहीं बना सकते उसको। वर्क विथ द पीपल, आप तो बहुत सारे लोगों के साथ काम करते रहे, डेप्थ से डेप्थ में जाकर काम करते रहे, क्योंकि आपके खुद के जानने वाले लिमिटेड होंगे, कोई बात नहीं, लेकिन डेप्थ की डेप्थ में जाकर आप काम कर सकते हैं ना। उसके अंदर who are possible and hungry for success, कुछ ऐसे लोग आएंगे आपके साथ उस डेप्थ से जो सफलता के लिए भूखे होंगे, जिनको सफलता चाहिए नहीं, सफलता हर हाल में चाहिए, या तो सफल हो जाएगा या तो वो मर जाएगा, ऐसी भूख वाले लोग आपको डेप्थ से डेप्थ, डेप्थ से डेप्थ, डेप्थ से डेप्थ में मिलेंगे। वो लोग इस बिजनेस में सफल होंगे, और जब वो सफल होंगे तो आपका पूरा पूरा ऑर्गेनाइजेशन, आपकी पूरी टीम का भूगोल बदल के रख देंगे वो। यस, ऐसा होगा। हमने किसी एक आदमी को कि मैं उसको सक्सेसफुल बना दूंगा इस बिजनेस में, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि आप ये चाहते हैं ना, वो सामने वाला नहीं चाहता है, वो सामने वाला नहीं चाह रहा है। ओके, तो आपको करना क्या है, डेप्थ में जाकर अपनी टीम के माध्यम से नए नए लोगों को इस बिजनेस में लाने में उनकी हेल्प करते रहना है, रेगुलर बेसिस पर करते रहना है। उसके अंदर से वो लोग आएंगे जो इस बिजनेस के अंदर में कामयाब होने के लिए आएंगे, उनको कामयाबी की भूख होगी, वो लोग आएंगे। नेक्स्ट, नंबर 16, वर्क थ्राउट द पीपल यू स्पॉन्सर, योर बेस्ट पीपल नॉर्मली शो अ वेरी डीप इन योर टीम, इवन ए dud can lead you the stage. Work throughout the people you sponsor. आप जो है काम करते रहे, आप जो स्पॉन्सर हैं उनके थ्रू, उनके साथ काम करते रहे, आपके जो बेस्ट पीपल होंगे नॉर्मली वो कहां दिखेंगे, वो डीप में ही दिखेंगे। आपके टीम में जो नीचे लोग आएंगे वो ही बेस्ट लोग आएंगे इस बिजनेस के लिए, इस इंडस्ट्री के लिए और सक्सेस के लिए, वो डेप्थ में आएंगे आपकी टीम के अंदर। इसलिए आप वहां पर ध्यान रखें, वहीं वो लोग मिलेंगे। अगर शुरू में आपने किसी डायरेक्ट लोगों को, कुछ लोगों को ज्वाइन किया है, तो वो बेस्ट पीपल इस इंडस्ट्री के लिए जरूरी नहीं है कि आए। अगर आए हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो आएंगे। शुरू में हमारे भाई लोग, हमारे दोस्त लोग, हमारे रिलेशंस वाले लोग, वही लोग आते हैं और कुछ भी सोच के हमारे साथ आ जाते हैं कि बंदा एक नया बिजनेस शुरू किया है, हमें बता रहा है, हमें बोल रहा है, यार चलो इसका हौसला रखने के लिए इसे ही ज्वाइन हो जाते हैं। लेकिन हम ये उम्मीद रखते हैं कि यार लोग तो ऐसे ही जुड़ते हैं तो फिर ये बड़ा बिजनेस तो होगा ही नहीं। ना ना, ऐसा नहीं सोचना है। ओके, आपको क्या करना है, अच्छे और बेस्ट लोग देखना चाहते हो इस इंडस्ट्री में, तो आपको डीप में जाकर काम करना पड़ेगा। डीप में दिखेंगे आपकी टीम के माध्यम से, टीम के माध्यम से, टीम के माध्यम से आएंगे अच्छे लोग। यस, नेक्स्ट, सीक्रेट नंबर 17, आफ्टर यू स्पॉन्सर समवन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स यू कैन डू नेक्स्ट is help them sponsor someone. आप किसी भी व्यक्ति को ज्वाइन करने के बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट काम होता है वो आप कर सकते हैं। क्या? आपने जो व्यक्ति स्पॉन्सर किया है उसके साथ जाके काम करना, उसके लिए नेक्स्ट स्पॉन्सर करवाना, ये काम आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। ये काम आप कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं ये चेक कीजिए। अगर आप कर रहे हैं तो क्या आपकी टीम में जो व्यक्ति आए हैं वो ये काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये चेक करने की ड्यूटी आपकी बनती है। आप ये चेक कीजिए
17 नंबर पॉइंट, ये काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये काम करना बहुत जरूरी है। इसके बिना हम बड़ी टीम, हम डेप्थ जाके बिल्ड नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट नंबर 18, यू ओनली नीड 2 to 5 सॉलिड लीडर्स टू बिल्ड ए 6 or 7 फिगर इनकम इन द इंडस्ट्री। आपको जरूरत है 2 to 5 सॉलिड लीडर्स की, सिर्फ 2 to 5, इतने ही लोगों की जरूरत है। वो लोग, वो जो सॉलिड लीडर आएंगे टीम में 2 to 5, वो लोग आपकी 6 figure में or 7 figure में इनकम को पहुंचा देंगे। यस, लेकिन वो सॉलिड 2 to 5 लोग कब आएंगे? उनके लिए जो मैंने पहले बताया आपको, डीप ड्राइविंग करनी पड़ेगी, डीप में जाकर नीचे काम करने पड़ेगा, नीचे एक एक व्यक्ति को समझना पड़ेगा, उनको डायरेक्टली जाके सिखाना पड़ेगा। हो सकता है बीच वाले लोग अपना काम ठीक से नहीं कर रहे हैं, कोई बात नहीं, आप डायरेक्ट जाकर करो। ऐसा करने से आपकी इनकम बड़ी हो जाएगी। तो ये 18 नंबर चीज हमेशा याद रखें, यू ओनली नीड 2 to 5 सॉलिड लीडर्स इन टू बिल्ड ए 6 or 7 फिगर इनकम इन दिस इंडस्ट्री। नेक्स्ट बात करेंगे 19 नंबर, सीक्रेट नंबर 19, अटेंड एवरी इवेंट एंड प्रमोट इवेंट्स लाइक योर सक्सेस डिपेंडेंट ओपन इट डस। हर मीटिंग को अटेंड करना है, हर ट्रेनिंग को अटेंड करना है, और हर ट्रेनिंग को अटेंड ही नहीं करना है, हर ट्रेनिंग को प्रमोट भी करना है। और कैसे प्रमोट करना है, क्या सोचकर प्रमोट करना है, जैसे आपका सक्सेस इसी के ऊपर डिपेंड है। सब कुछ किया लेकिन अगर आपने इवेंट को प्रमोट नहीं किया, इवेंट को, हर इवेंट को अटेंड नहीं किया सीरियसली, तो आपका सक्सेस नहीं मिलेगा। पूरा का पूरा सक्सेस इसी के ऊपर टिका हुआ है, ये सोचकर इसको अटेंड करें। यस, अटेंड एवरी इवेंट एंड प्रमोट इवेंट्स लाइक योर सक्सेस डिपेंडेंट्स ओपन इट डस। इस तरह से आपको इसके अंदर में काम करना है। नेक्स्ट नंबर 20, स्टे द कोर्स प्रमोटिंग मल्टीपल डील्स और च्विसिंग कंपनीज इज ए डीड एंड रोड दैट केसेस यू टू लॉस मनी एंड क्रेडिटेबिलिटी। ऐसे बहुत लोग होते हैं जो एक समय में क्या करते हैं, मल्टीपल कंपनियों के प्लान में काम करते हैं, और वो कंपनी छोड़ के दूसरी कंपनी में, दूसरी कंपनी को छोड़कर तीसरी कंपनी में चले जाते हैं। वो लोगों का साथ क्या होगा मालूम है, उनका बहुत बड़ा पैसे का लॉस होगा, उनका टाइम का लॉस होगा, और वो लोग अपनी क्रेडिटेबिलिटी को खो देंगे, उनकी गुडविल खराब हो जाएगी। एक तरीके से अगर समझे तो इस रास्ते में, इस नेटवर्क मार्केटिंग के इस फील्ड में, इस कैरियर में उन लोगों की मौत हो जाएगी, मर जाएंगे वो लोग। ये मैसेज है 20 नंबर। अगर ऐसे कोई लोग हैं तो उन्हें समझाइए कि अगर आप 2 कंपनी में, अगर आप 3 कंपनी में एट ए टाइम काम कर रहे हैं, या आप अंदर अंदर कंपनियां बदल देते हैं, पता ही नहीं चलता आपकी, आप सोचते हो मेरी डाउन टीम को नहीं पता, मेरे अपलाइन को नहीं पता कि मैं क्या कर रहा हूं। ये लोगों का बिजनेस है मेरे भाई, लोगों को बताए बिना तो काम चलना नहीं है किसी भी कंपनी का। और जब तू लोगों को बताएगा तो ये किस बेस पे तू चोर
मान रहा है कि मेरे अपलाइन और डाउनलाइन को पता नहीं चलेगा, रहा तो खुद लोगों को बोल रहा है, क्या वो लोग बोलेंगे नहीं? अगर कोई व्यक्ति ऐसा कर रहा है तो उसको चार लॉस हो सकते हैं। क्या? पैसे का लॉस होगा उसका, टाइम का लॉस होगा उसका, और क्या होगा, वो अपनी गुडविल खराब कर देता, कर देगा, पूरा नाम खराब कर देगा। और ये सब खत्म हो गया, पैसा खत्म हुआ, टाइम खत्म हुआ, कोई बात नहीं, लेकिन अगर उसकी गुडविल खराब हो गई इस फील्ड के अंदर, इस डायरेक्ट सेलिंग के अंदर में, जो कुछ भी उसकी उसने अपनी छोटी मोटी गुडविल बनाई है कहीं छोटे मोटे अचीवमेंट से, तो वो अपनी क्रेडिटेबिलिटी को खो दिया, मतलब उसकी मौत हो गई इस फील्ड के अंदर। यस, मौत हो गई उसकी। उसे समझाइए। यस, समटाइम, हाँ समटाइम्स यू माइंड नीड टू चीज डील्स, बट वेन एवर पॉसिबल स्टिक इट आउट। अगर कभी आपको जरूरत महसूस हो गए कि इस काम को मैं काफी लंबे टाइम से कर रहा हूं, सब तरह से कर रहा हूं, लेकिन कहीं ना कहीं मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूं, कुछ यहां पर सिस्टम में कोई प्रॉब्लम है, या कुछ भी ऐसा आपको जरूरत महसूस हो गए, क्योंकि समय बड़ा बलवान होता है, तो ऐसे में क्या लिखा है, जब पॉसिबल हो तो आप बाहर निकल सकते हैं वहां से, ये मैसेज है। लेकिन अभी कंपनी ज्वाइन की, 2 महीने हुए, 3 महीने हुए, अभी तो कुछ किया ही नहीं, अभी तो पता ही नहीं चला, अभी तो कंपनी ठीक से शुरू ही नहीं हुई, अभी तो कंपनी की सारी चीजें भी सामने नहीं आई, उससे पहले भी इधर उधर आप इसमें नहीं, किसी भी कंपनी में अगर झांका झांकी कर रहे हो तो आपका कुछ नहीं होना है, आपकी मौत निश्चित है। यस, नेक्स्ट। नेक्स्ट नंबर 21, स्टार्टिंग एंड स्टॉपिंग विल किल योर बिजनेस। काम आप शुरू करते हैं 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए, और फिर अगले 7 दिन या 10 दिन या 15 दिन या 1 महीने के लिए स्टॉप कर देते हैं किसी कारणवश। अगर ऐसा आप कर रहे हैं या आपकी टीम में कोई व्यक्ति ऐसा कर रहा है तो जरा सतर्क हो जाइए, क्योंकि ये एक्टिविटी, इस टाइप की एक्टिविटी आपके बिजनेस को मार देगी, आपके बिजनेस को बर्बाद कर देगी। या तो शुरुआत मत करो इस बिजनेस की, और अगर शुरुआत कर रहे हो तो उसको फिर करते रहो, उसको बीच में स्टॉप मत करो, किसी कारण वजह से स्टॉप मत करो। ये वो बिजनेस है, स्टार्टिंग एंड स्टॉपिंग विल किल योर बिजनेस, बी परसिस्टेंस एंड कंसिस्टेंस, Do something to grow your business every single day. Persistence यानी लगातार, consistency यानी पूरे ध्यान के साथ, रोज कुछ ऐसा काम करो कि आपका business grow हो। यह हर दिन आपको करना है, हर दिन आपको करना है, रोज करना है। Treat your business at least as seriously as you do your job. ये काम इस तरह से, इस काम को ट्रीट करें, इस काम को करते रहें सीरियसली, ठीक है, कि यही आपका काम है और कोई आपका काम है भी नहीं, ऐसा सोचकर आप इस काम को करते रहें। ये बहुत बढ़िया चीज लिखी हुई है इसके अंदर में, इसमें जो चीज है इसकी वजह से कई लोग जो है वो जाने अनजाने में अपने बिजनेस को वो खुद ही मार देते हैं। सो ये 21 नंबर पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, सीक्रेट नंबर 22, दिस इज ए बिजनेस ऑफ मोमेंटम। ये जो बिजनेस है ये मोमेंटम का बिजनेस है। मोमेंटम इज हार्ड टू गेट एंड इजी टू लॉस। मोमेंटम को लेना, मोमेंटम को पाना बहुत हार्ड है, लेकिन उस मोमेंटम, बनाए हुए मोमेंटम को खोना बहुत आसान है। ये चीज को समझिए आप, ये जो बिजनेस है ये मोमेंटम का बिजनेस है, और मोमेंटम का जो बिजनेस है
मोमेंटम बहुत मुश्किल से मिलता है, लेकिन इसको क्या है, जिसको खोने के लिए इजी से ये खो जाता है। इसलिए द क्विकेस्ट वे टू क्रिएट मोमेंटम, एक रास्ता है जल्दी से मोमेंटम को क्रिएट करने का, वो क्या है कि मोमेंटम इज टू डू ए 90 डेज चैलेंज। शुरुआत के 90 डेज तक आप एक चैलेंज को स्वीकार कर लो, चैलेंज को स्वीकार कर लो शुरू के 90 डेज तक, तो एक मोमेंटम क्रिएट होगा आपकी टीम के अंदर, और उसके बाद डबल एंड ट्रिपल योर एफर्ट्स। आपको 90 डेज के बाद जबरदस्त डबल और तीन गुना एफर्ट के साथ इसको चलाना है, राइड द मोमेंटम एज लॉन्ग एज यू कैन, जहां तक आप इसको चला सकते हैं, 2 साल 4 साल 5 साल 8 साल, ये काम आपको करना है। ये 22 नंबर बात आप याद रखना है, ये बात, ये जो ये रियली ये बिजनेस ही मोमेंटम का, विदाउट मोमेंटम आदमी अपने हिसाब से कभी तो करता है और कभी नहीं करता है, तो उनका कुछ नहीं होना है यहां पर। इस तरह से नेक्स्ट बात करेंगे हम 23। दिस इज द हार्डेस्ट बिजनेस इन द वर्ल्ड, ये बहुत हार्ड बिजनेस है दुनिया के अंदर। इफ यू डबल विथ इट एंड बिल्ड इट स्लोली, तो ये बिजनेस दुनिया का सबसे हार्डेस्ट बिजनेस हो जाएगा अगर आप इसको स्लो कर रहे हैं। तो हाउएवर इट इज द इजीएस्ट बिजनेस इन द वर्ल्ड, लेकिन ये बिजनेस बहुत आसान भी है उन लोगों के लिए जो दुनिया में, इफ यू डू इट क्विकली, अगर आप इसको जल्दी जल्दी करते हो, इसको फास्ट फास्ट करते हो, ज्वाइन होने के बाद फटाफट करते हो, फास्ट एक्टिविटी के साथ में करते हो, 90 डेज तक रुकते ही नहीं, नींद ही नहीं लेते हो, एक मोमेंटम क्रिएट कर देते हो, उसके बाद डबल और चार गुना एफर्ट के साथ में आप अगर इसको आगे बढ़ाते हो, तो ये बिजनेस दुनिया का सबसे इजीएस्ट बिजनेस हो जाता है। यस, नेक्स्ट, सीक्रेट नंबर 24, बी द टाइप ऑफ पर्सन यू वांट टू स्पॉन्सर, सेट द एग्जांपल फॉर योर टीम एंड इंस्पायर पीपल बाय योर एक्शन। बी द टाइप ऑफ पर्सन यू वांट टू स्पॉन्सर, सेट द एग्जांपल फॉर योर टीम, आप अपनी टीम के लिए एक एग्जांपल इंस्पायर कर सकते, काम करके लोगों के साथ लोगों को इंस्पायर कर सकते हैं। इस टाइप का काम कीजिए, इस टाइप की एक्शन कीजिए कि उस एक्शन को देखकर सारे लोग आपकी टीम के इंस्पायर हो जाए और आगे बढ़े। इस तरह के लोगों को आप स्पॉन्सर करने की सोचिए और स्पॉन्सर करने की चाहत रखिए, जो सब कुछ चेंज कर दे फास्ट एक्टिविटी के साथ में। एक बार शुरू कर दिया, रुकने का नाम नहीं, 90 डेज क्या, वो तो हमेशा 365 दिन उसी रफ्तार से लगे रहते हैं। ऐसा कुछ कीजिए, ऐसा कुछ सोचिए, क्योंकि करने से पहले सोचना पड़ेगा, सोचेंगे उसको फिर एक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, एक्शन में कन्वर्ट करेंगे तब जाकर एक्शन रिजल्ट देगी। यस, नेक्स्ट नंबर 25वां जो सीक्रेट है वो ये है, यू डोंट नीड एन अपलाइन टू बी सक्सेसफुल, इंस्टीड यू नीड ए डाउनलाइन, instead of blaming your upline for not being what you want them to be, take 100% responsibility for your own business, realize that no one care about your business as much as you do।
आपको अप्लाइंग सक्सेसफुल है इसकी कोई जरूरत नहीं है। आपको जरूरत है कि आपकी डाउनलाइन सक्सेसफुल है या नहीं है, ये जरूरत है आपको। इसलिए ब्लेम नहीं करें कि अप्लाइंग सक्सेस नहीं हुआ, अप्लाइंग ने वो नहीं किया, अप्लाइंग ने वैसा नहीं किया। ये ब्लेम करना बंद कर दीजिए, ये ब्लेम कभी नहीं करें। आप जो कुछ भी इस बिजनेस से चाहते हो, जिसके लिए भी आप आए हो, जो भी आपका उद्देश्य है, जितनी सफलता के लिए आप यहां पर आए हो, व्हाट यू वांट देम टू बी टेक 100% रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर ओवन बिजनेस, ओवन टीम, ओवन पीपल। रियलाइज दैट नो वन केयर। आप अपने मन में ये समझ लीजिए, सोच लीजिए, रियलाइज कर लीजिए, क्या कोई आदमी आपके इस बिजनेस की केयर करने के लिए नहीं है, आप खुद अकेले ही हैं। रियलाइज दैट नो वन केयर्स अबाउट योर बिजनेस एज मच एज यू डू। ये जो चीज है ये आपको पावरफुल बनाती है अंदर से। ये रेस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ताकतवर चीज है। अगर आपने ऐसा सोच लिया, उस दिन के बाद में आप किसी पे ब्लेम नहीं करेंगे। सबसे पहले तो कोई अप्लाइन के ऊपर ब्लेम नहीं करेंगे। अप्लाइन सक्सेसफुल है या नहीं है ये आपके लिए कोई जरूरी नहीं है। सक्सेस होने के लिए, आपके सक्सेस होने के लिए जरूरी है आपकी डाउनलाइन सक्सेसफुल है कि नहीं है। और उनको सक्सेसफुल करने के लिए आपको अपना बिजनेस समझकर इसकी 100% रेस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। ये समझकर, ये रियलाइज करके कि दूसरा कोई नहीं है, ये जो बिजनेस मेरा है, सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी मुझे लेनी है, ये बिजनेस मेरा अपना है। ये है सीक्रेट नंबर 25। और नेक्स्ट 26, डू नॉट कंफ्यूज बिजी वर्क विथ इनकम प्रोड्यूसिंग एक्टिविटीज। प्रोड्यूसिंग एक्टिविटीज, आप बिजी ना रहे, कंफ्यूज ना रहे इनकम प्रोड्यूसिंग की एक्टिविटीज को समझने के लिए। द ओनली टू एक्टिविटीज वी गेट पेड फॉर आर रिटेलिंग एंड रिक्यूरिटिंग, एवरीथिंग इल्स इज बिजी वर्क। आपको दो ही काम करने हैं, ये दो ही काम आपको वो सब पेड कर सकता है जो आपको चाहिए। और वो ये काम है कि आप नए प्रोस्पेक्ट की लिस्ट बनाते जाइए और नए उन प्रोस्पेक्टों की लिस्ट में सेलेक्टेड लोगों को सही तरीके से इस सिस्टम के अंदर में ज्वाइन कराते रहे। इसी काम के साथ हर दिन, इसी काम के साथ में आप बिजी हो जाइए, इसी काम के साथ में आप व्यस्त हो जाइए और यही काम करते रहे। ये मैसेज है आपका 26 नंबर। और 27 नंबर जो मैसेज है आज का, एक्ट एज इफ यू हैव $1 million इन योर बिजनेस एंड यू हैव 2 years टू अर्न इट बैक। आप ये मान लीजिए कि आपने इस बिजनेस के अंदर में $1 million पैसा लगा के एक बिजनेस खड़ा किया है। ऐसा मान लीजिए आप कि अगर आपने एक बिजनेस खड़ा किया और उस बिजनेस में आपने $1 million आपने पैसा लगाया, तो आप उस बिजनेस को किस तरह से, और आपको वो 2 साल में वापस चाहिए जो पैसा आपने लगाया है $1 billion, वो 2 साल में आपको वापस उसी बिजनेस से कमा के और जहां से लिया था उसको वापस लौटाना है, तो आप उस काम को किस टाइप से करते, किस टाइप से उसके बारे में सोचते, कौन से आदमी को उसके लिए दोषी मानते, पड़ोसी को मानते या इधर वाले पड़ोसी को मानते या साउथ वाले को या नॉर्थ वाले को, किस पड़ोसी को उसका दोषी मानते। सब वो बिजनेस आपका था, आपने सोचा, आपने इन्वेस्ट लाया, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको 2 साल के अंदर बना के निकालना, तो उसको आप किस टाइप से करते, उस टाइप से इस बिजनेस को करना शुरू कर मेरे दोस्त, आप जरूर सफल होंगे। और फाइनल स्लाइड 28। थैंक यू वेरी मच।
थैंक यू वेरी मच एवरीवन।